हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैंने सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान नहीं था और कांच वाले चूड़ी के मेरे पास कलेक्शन ज़्यादा थे। उसके अंदर क्या होता है कि हम जब मैं पॉलीथीन में कागज़ वाले में होता है तो वो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा पाती उस सब, इसलिए मैंने इसमें बाहर निकाल के रखा हुआ है। 6 पीस वाला मेरे पास बैंगल्स ख़त्म हो गया था, 2-6 साइज़ वाला, तो वो मैं लेकर के आई थी। वो मैं दो ही डब्बा लेकर के आई थी क्योंकि मेरे पास वो 2 डब्बे की रिक्वायरमेंट थी और मैं ज़्यादातर हर सारे कलेक्शन के अलग अलग रखना पड़ता है, इसलिए मैं 6 पीस वाला 2-6 साइज़ का 2 डब्बा लेकर के आई थी। और ये कुछ मैं अगले बार कुछ टाइम पहले लेकर के आई थी, तकरीबन 1 महीने पहले लेकर के आई थी वो डिज़ाइन का, तो सेम टू सेम उसको और रिक्वायरमेंट था तो मैंने और लेकर के आया था। ये कुछ मैंने इनसाइड का लिप प्रिंट लेकर के आया था, कलर देख सकते हो गाइस। इसके अंदर बहुत पहले लेकर के आई थी, बॉक्स टू बॉक्स लेकर के आई थी। 1 बॉक्स में 3 इंडिविजुअल रहता था और 1 टेस्टर मिलता था, तो मैं चारों सेल कर देती थी। वो चारों सेल ही करना होता है, आप उसको चाहे एज अ टेस्टर यूज़ करो या एज अ सेल कर दो, तो वो आपकी मर्ज़ी होता है। तो ये मैं एक डब्बा डब्बा अलग लेकर के आई थी, अलग अलग डब्बे डब्बे लेकर आई थी। तो इसमें भी लेकर आई थी सिंगल सिंगल पीस क्योंकि मुझे सिंगल सिंगल की रिक्वायरमेंट थी, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए था तो मैं सिंगल सिंगल लेकर के आई थी। क्योंकि मुझे एक मतलब एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जिस शॉप कीपर से मैं लेती थी तो उनका शॉप बंद था, तो मुझे दूसरे शॉप से लेना पड़ गया और मुझे नहीं मालूम था कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट होंगे नहीं होंगे और डिस्काउंट भी उनका बहुत कम था। तो जितनी मेरे को नीड थी, जितनी कस्टमर्स मेरे आने वाले थे लेने के लिए इसको, तो मैं बस उतना ही प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर के आई थी। कभी कभी क्या होता है, हम जिस शॉप कीपर से लेते हैं हमारे वहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा डिस्काउंट जो होता है परसेंटेज के ऊपर होता है तो वो फिक्स होता है। और कभी कभी वो दुकान बंद होता है, हम उस दिन मार्केट के लिए निकल चुके होते हैं तो वापस से तो आ नहीं सकते कि सेकेंड डे वापस जाना पड़े, तो इस वजह से जब दूसरा दुकान खुला होता है हम वहाँ से सामान लेते हैं। बट वहाँ से हम सामान वही लेते हैं जो हमें ज़्यादा नीड होती है, हम ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करते कि नहीं हमें ये अच्छा लग रहा है तो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, क्योंकि डिस्काउंट सब जगह से कम हो जाता है थोड़ा। शीट मास्क मैंने ले लिया था, शीट मास्क मैंने इसके ले लिया था कि मैंने जहाँ से मैं मतलब मेरा सारा चीज़ें ना ऐसा होता है गाइस कि मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं अलग अलग शॉपकीपर से ही लेती हूँ, वो मेरा फिक्स्ड होता है कि मुझे ये सामान मुझे इस शॉपकीपर से लेना है। यहाँ पे क्वालिटी बेस्ट होती है और प्राइस का डिस्काउंट भी बहुत अच्छा होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं नेकलेस लेती हूँ तो सारा नेकलेस मैं एक ही शॉपकीपर से लेती हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं सारा नेकलेस के रिगार्डिंग सारे चीज़ें जो लाइक कॉस्मेटिक के सॉरी ज्वेलरी के रिगार्डिंग सारा चीज़ वहीं से लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ज्वेलरी कहीं से लेती हूँ तो उसके अंदर नेकलेस कहीं से लेती हूँ, और झुमके के कलेक्शन मुझे किसी और शॉपकीपर का अच्छा लगता था मैं वहाँ पर चले जाती हूँ लेने के लिए। अभी ऑक्सीडाइज का बैंगल्स देख सकते हो, मैं ये बैंगल्स नेकलेस वाले शॉपकीपर से थी, जबकि मैं शॉपकीपर के पास से मैं नहीं लेती हूँ बैंगल्स। बैंगल्स और झुमकी मैं अलग शॉपकीपर से लेती हूँ, मेरा फिक्स्ड है वो, पर इनके पास मुझे एक ही कलेक्शन अच्छा लगा था तो मैं एक ही ली थी। अब एक पीस क्या होता है, वो लोग डिस्काउंट करके ज़्यादा नहीं देते, बट मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा था तो मैं ज़्यादा नहीं ली क्योंकि वो डिस्काउंट बहुत कम कर रहे थे, तो मैं एक ही पीस ली थी। और ये कुछ मैं नेकलेस लेकर के आई थी, मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगता है, बहुत पहले भी लेकर के आई थी, वो सेल हो गया था तो मुझे इस बार वापस से दिख गया तो मैंने एक पीस का वापस लेकर के आया। जैसे कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं नेकलेस के बारे में मैं हमेशा सिंगल सिंगल पीस ही लेकर आती हूँ, रिपीट पीस नहीं लेकर के आती हूँ। 1 टाइम मैं एक्चुअली सिंगल पीस ही लेकर के आती हूँ, उसके अंदर कितना भी अच्छा हो मैं एक एक पीस लेती हूँ, कभी कभी 2 पीस हो जाता है। ये कुछ मैंने टॉप्स लेकर गया था, देख सकते हो इसका डिज़ाइन, देख सकते हो मैं इसका शॉर्ट्स में भी ज़रूर वीडियो डालूंगी ताकि उसके अंदर आपको डिटेल वीडियो दिख जाए और डिज़ाइन दिख जाए। ये देख सकते हो, अगर प्राइस की बात करें तो गाइस ये टॉप्स मैं 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़ में सेल करती हूँ, मतलब कि इसके अंदर कुछ 40 रुपीज़ वाले थे और कुछ 50 रुपीज़ वाले थे, जो बड़े साइज़ के थे वो 50 रुपीज़ के थे। क्वालिटी एक ही था, सबके क्वालिटी एक ही थे, मतलब जितना दिन चलने वाला है 40 रुपीज़ वाला उतने दिन 50 रुपीज़ वाला भी चलेगा, बट साइज़ में हल्का सा फ़र्क था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था लेकिन डिज़ाइन में भी थोड़ा सा फ़र्क था। अगर उसका डिज़ाइन देखना है डिटेल में तो मैं शॉर्ट्स में ज़रूर डाल दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हो। ये कुछ नेल पेंट का बॉक्स लेकर के आई थी, मुझे कलर के कॉम्बिनेशन अच्छे लगे थे इस वजह से लेकर के आ गई थी, आप देख सकते हो। इसका कलर मुझे अच्छा लगा था तो वही मैं एक बॉक्स ले ली थी इसका। काफ़ी सारे इसके अंदर कलर्स ऑप्शन मिल रहे थे बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था उस टाइम, तो मैंने ले लिया था जो मुझे पसंद आया था खास करके, तो एक डब्बा मैंने वो ले लिया था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आई थी मैं, और ये कुछ लिक्विड सेंदूर लेकर के आई थी। गाइज एक कमेंट्स करना आप लोग भी कि आपके यहाँ पे सेंदूर का कलेक्शन कौन सा चलता है। हमारे यहाँ लिक्विड भी चलता है और पाउडरी भी चलता है, रेड येलो और मरून ये 3 कलर ही चलते हैं और एक भी नहीं चलते हैं, और क्या एक हल्का सा पिंक भी होता है, वो कहीं कहीं वही चलता है। तो हमारे यहाँ पे ये 3 सारे भी अवेलेबल होते हैं, तो मैं वो सब कुछ लेकर के आते रहती हूँ। ये कुछ नेल पेंट टिश्यू वाले लेकर के आई थी,
लिक्विड वाला भी आता है, जो बॉटल में सीसी वाले होते हैं 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ सेल होता है, वो हमारे यहाँ पे कम सेल आउट होता है, तो मैं बहुत कम लेकर के आती हूँ उसको। 3-4 महीने पहले लेकर के आई थी, वो एक बॉक्स था, वन बॉक्स में वो 34 पीसेस था, तो वो मेरा सेल आउट अभी तक नहीं हुआ है। उसमें से कुछ कुछ डब्बे में पड़ा हुआ है, 2-3 पीस पड़े हुए हैं, और उसमें से 2-3 पीस तो मेरे से गिर के फूट भी चुके हैं, तो इसलिए मैं सीसी वाला नहीं लेकर के आती जल्दी, टिश्यू वाले लेकर के आती हूँ। उससे क्या होता है, गिर भी जाता है तो कुछ इशू नहीं आता है। ठीक है, तो ये कुछ मैं प्रोडक्ट लेकर के आई थी, देख सकते हो। ये हल्दी वाले बहुत मैंने हल्के वाले लेकर के आई थी, भारी वाले अभी तक मेरे पास था, उसके काफ़ी सारे कलेक्शन में लेकर के आई थी, अगले वीडियो में नहीं दिखाई थी बट मैं लेकर के आई थी, तो वो शॉप में मेरे रखा हुआ है। ये डमी लेकर के आई थी, जो हेयर स्टाइलिंग होते हैं, हेयर स्टाइल करने के लिए या तो फिर हेयर कटिंग के प्रैक्टिस के लिए, हेयर डमी लेकर के आई थी। ये कुछ कांच के चूड़ी लेकर के आई थी, ये पक्की चूड़ी होती हैं गाइस। इसके अंदर मेरे पास दो ही वैरायटी चलता है, एक पक्की चूड़ी होती है, कच्ची चूड़ी होती है। पक्की चूड़ी की प्राइस की बात काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे, एक दिन मैंने वीडियो डाला था कांच के बारे में, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप कितने रुपये में सेल करते हो कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, तो मैं उसको बता देता हूँ, अगर पक्की चूड़ी है तो 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ सेल होता है, और जो ग्रीन वाली होती है जो महाराष्ट्रियन लोग यूज़ करते हैं कच्ची चूड़ी, वो मेरे पास 40 रुपीज़ डज़न सेल होता है। और जो 100 रुपीज़ पक्की चूड़ी सेल होता है ना गाइज, मैं उसको 90 रुपीज़ में भी कभी कभी सेल कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम सामान जहाँ से लेते हैं कहीं पे कई बार वो वहाँ पे पहचान हो जाती है, जैसे कि अभी हमारे होलसेलर के पास पहचान हो जाती है, तो वैसे ही सारे कस्टमर के साथ हमारी भी बॉन्डिंग हो जाती है, तो उनको क्या होता है थोड़ा पहचान बन जाता है, तो उनको पहचान को क्रिएट करने के लिए, वो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ में डिस्काउंट बहुत करना पड़ता है, अदर कॉस्मेटिक शॉप से हमें डिस्काउंट में देना पड़ता है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई